यह अरहर की फसल है, जिसको देखिए कि जुगाड़ से कैसे तोड़ रहे हैं। इसमें आराम से इसके फलियों को निकाल रहे हैं और इसका दाना। इधर से एक किसान भाई और अरहर की फसल ट्रैक्टर पे लाद के ले जा साइकिल से लेके जा रहे हैं। और इस प्रकार किसान भाई देखिए कितनी मेहनत करते हैं, काट के इनको लाए हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर में अरहर का हरा पौधा भी दिखाएंगे, और जो कि मिलना अब संभव नहीं है इस सीजन में, लेकिन एक पेड़ बचा है, अभी हम उसको आपको दिखाने वाले हैं। यह अरहर का एक पौधा है, आप देख लीजिए इसमें फलियां लगी हुई हैं। इसको तोड़ करके इसमें से दाना निकाला जाएगा, और ये है अरहर का दाना, जिसे कि दाल बनती है। और ये देखिए अरहर का दाना है, और ये इसका पेड़ है। यह एक वर्षीय पौधे के रूप में जाना जाता है, एक वर्ष तो नहीं चलता, लेकिन अब इसकी कटाई हो जाएगी। जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और मार्च अंतिम तक यह पक के तैयार हो जाता है। पेड़ को काटने के बाद इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया गया था, फिर इसको एक जगह इकट्ठा करके अब इसकी डंडे से पिटाई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा होता तो भी इसे पीटना ही पड़ता, ट्रैक्टर या अन्य थ्रेसर की व्यवस्था इसमें नहीं की जाती, क्योंकि इससे ईंधन भी मिलता है। अरहर की फलियां निकालने के बाद इसके डंठल को इस प्रकार से रखा जाता है, और इसका किसान भाई बहुत बढ़िया उपयोग करते हैं, झाड़ू बना लेते हैं। एक मुट्ठा लेके बना लेंगे बांध के रस्सी से, और इससे साफ सफाई की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि इसी से इसका खलिहान साफ किया जा सकता है। तो इसके डंठल को बड़ा बचा के किसान रखते हैं, क्योंकि यह इन्हें बहुत काम में आता है। अरहर के बारे में कहावत है, कहानी इस प्रकार है कि एक बच्ची जो है खाना बना रही थी, तो किसी बुजुर्ग ने आके उससे पूछा कि क्या कर रही हो, तो उसने कहा कि हम माँ को पका के, माँ को जला के बेटी पका रहे हैं। यह एक सवाल बन गया था, और आज भी बुजुर्ग लोग इस सवाल को पूछ लेते हैं कि बताइए इसका उत्तर क्या होता है। तो इसका उत्तर यही है कि अरहर का ये जो डंठल है, इस डंठल को ईंधन के रूप में प्रयोग करके और दाल पकाई जाती थी, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि माँ को जला के बेटी को पकाया जा रहा है। यह अरहर की फलियां हैं, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हैं, और इनकी फिर से कुटाई होगी एक बार। जब इनको कुटा मसल करके या किसी और मजबूत डंडे से पीट करके, तब इसके दाने निकलेंगे। और यहाँ पे आपके पास कुछ दाने गिरे हुए हैं, हम दिखा रहे हैं। ये दाने ही फिर इनको भिगो करके सूखने के लिए रखा जाएगा। एक बार धोया भिगोया जाएगा, फिर सुखाया जाएगा, तब जाके इनकी दराई होगी। और दरने के बाद पीली पीली दाल आपको मिलेगी, जो कि बहुत पौष्टिक होती है, प्रोटीन का बहुत बड़ा भंडार होती है दाल। कहीं भी आपको प्रोटीन की कमी अगर महसूस हो रही है, कि शरीर कमज़ोर है, अगर नहीं पूरी दाल खा पा रहे हैं, तो दाल को उबाल करके इसका पानी ही पी लिया करें। प्रकार किसान भाई चाहें तो अपने खेत की मेड़ों पर भी अरहर को लगा करके और अपने खाने के लिए दाल पैदा कर सकते हैं, जो कि प्रोटीन का एक बहुत बड़ा भंडार है। तो अरहर के उत्पादक हम श्री श्रीपति सिंह जी से पूछ रहे हैं, कब ये इनकी बुआई किए थे भाई साहब? बोए थे इसको? यही बरसात शुरू हुआ तभी साथ में बोए थे, फिर दूसरी बरसात में बो देते हैं। फिर उसके बाद खाद वोद क्या देते हैं? खाद यही हल्का फुल्का DAP दे देते हैं, और घास की दवा मार देते हैं। फिर कब इसकी कटाई किए थे? कटाई बस एक हफ्ता पहले हुई है इसकी। फिर कटाई ऐसे ही कर लेंगे? हाँ हाँ। फिर कब तक इसकी दाल तैयार हो जाएगी? लगभग कल परसों खिला देंगे हम दाल। ठीक है, तो इस प्रकार आप मिल लिए श्रीपति सिंह जी से, और इन्होंने बता दिया कि कब इसकी फसल तैयार आएगी और कब यूज में आने लगेगा। धन्यवाद संजीव सिंह पटेल, फार्मर्स फैमिली। आप चैनल को सब्सक्राइब करके तो ग्रामीण जीवन और किसानों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। इस प्रकार आप लोग हमसे जुड़े रहे और हमेशा कुछ नया नया सीखिए। धन्यवाद।